अक्सर आपने सुना होगा कि भगवान के दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। भगवान के दर्शन होना यानी एक बहुत बड़ी तपस्या हमें करनी पड़ती है, तब जाके हमें भगवान के दर्शन होते हैं। मगर आज मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक ऐसे भगवान से मिलवाना चाहता हूं जो जूम मीटिंग भी करते हैं, जो ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जो हर गलती की आपको सुधार का मौका देते हैं और आपको पूरी आपको सपोर्ट करके आपको करोड़पति भी बनाना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेरी बात सुनो तो 100% आप करोड़पति बनोगे। जिंदगी ऐसी जियोगे कि आपने जॉब में नहीं जियोगी, कब तक तू नौकरी करेगा यार? अगर ऐसे भगवान से आप मिलना चाहते हैं तो आपको क्यूनेट ज्वाइन करना पड़ेगा, और इन भगवान का नाम है भगवान सचिन गुप्ता। जी हाँ, ये क्यूनेट में वी पार्टनर है। आज मैं आपको इस धरती पे इनके दर्शन करवाना चाहूंगा। आप में से क्यूनेट जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो लोग तो इनको तत्पर जानते ही होंगे, बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा तो मैं चाहता हूं इस वीडियो में वो भी इनको देखें, समझें कि इनकी हरकतें क्या हैं, ये किस तरीके से सिखाते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये किस तरीके से अपने शब्दों का चयन करते हैं। ये बहुत जरूरी है और ये किसी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको क्यूनेट के लिए अप्रोच किया जाए। अभी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि अभी DWD डेट विद डेस्टिनी बैंकॉक में होने वाला है, उसके बाद वीकॉन होने वाला है जो 11 से 15 मार्च 2023 में है। तो ऐसे में आपको काफी हद तक अप्रोच किया जाएगा कि तू मेरे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर ले, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तू जिंदगी में बहुत कुछ कमाएगा, यानी तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसी चीजें अगर आपको सुनने को मिले तो आप क्यूनेट ज्वाइन करने वाले हैं और उसमें आप 2-3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये लोग कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कहेंगे कि वो कैपिटल है। और उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के नाम पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए जाएंगे जिसको आप लेके उसको रिफंड पॉलिसी तक टलवा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने चाहे क्यूनेट ज्वाइन किया हो या ना किया हो, सब्सक्राइब बटन दबाना इतना ही जरूरी है जितना आपको जिंदगी में पानी पीना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान सचिन गुप्ता, ये क्यूनेट के सबसे बड़े अप्लायंस में आते हैं इंडिया की तरफ से। ये क्यूनेट में वीकॉन को, इवेंट्स को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने बुगाती वगैरह बहुत कुछ कमाया है, बट कमाया कैसे है क्वेश्चन ये है। इनकी एक स्क्रिप्ट है जो मैं इस वीडियो में आगे चलाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ क्यूनेट की पॉलिसीज याद दिलाना चाहता हूँ। क्यूनेट की पॉलिसीज कहती हैं कि यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉलिसीज यहाँ पे जो ली गई हैं वो क्यूनेट की वेबसाइट से ली गई हैं। आप लोग भी चाहें तो क्यूनेट की वेबसाइट को सर्च करके उसमें ये चेक कर सकते हैं। अब हुआ क्या, इनके क्लॉज में लिखा हुआ है नो अब्यूसिव लैंग्वेजेस इज परमिटेड, यानी कोई भी अपशब्द या बैड वर्ड्स आप सोशल मीडिया में यूज नहीं कर सकते। ये इनकी सोशल मीडिया पॉलिसी है। तो अब सचिन गुप्ता जी की पहले तो छोटी सी ऑडियो को सुनिए। टू फाइट द बैटल इनसाइड आउटसाइड बैटल, ये जो बाहर जो लड़ने वाले बैठे हैं ना आपके साथ में, करेक्ट, वो चूहे के जैसे नजर आते हैं, राइट? यू डोंट इवन फील लाइक आंसरिंग देम, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू, मेरे को ना यहां से एक चीज बोलनी है, ओके? और ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए बोल रहा हूं जान के, राइट? भूतिये है ना, वो कुछ है ना, एक बात बताता हूं, वो जो सोशल मीडिया में गाली देते हैं जब कुछ डालते हैं, यू नो व्हाट एग्जैक्टली गोज इन आवर माइंड, कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, कोई सुनता भी नहीं है उनको, राइट? ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी मन करता है मेरे को वो सामने आए तो उनको बोलूं, अबे तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो बहन के टको फॉलो क्यों करते हो हमको? एंड यू नो व्हाट, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस, आफ्टर फ्यू मंथ्स मी कविता एंड शर्फुन वाज टॉकिंग एंड देयर वर मेनी पीपल हु वी डोंट नो बट देयर क्रिटिसाइजिंग अस एंड टॉकिंग अबाउट अस, राइट? एंड शर्फुन सेड, ए तुम उसको जानते हो क्या, वो तुम्हारे बारे में ये वो बात कर रहे थे, और हम सोचते हम तो जानते भी नहीं है इनको। एंड शर्फुन सेड दैट टाइम वन थिंग, यू नो व्हाट बॉस, तुम तो सेलिब्रिटी बन गए हो अभी, राइट? बिकॉज व्हेन पीपल डोंट नो यू
and still follow you and talk bad about you, that means you're a celebrity actually, right? You know, so this business is not about fighting with them. Please, they are too small to be focusing upon actually, right? Okay, cheekte rahenge, chillate rahenge, aur gala kharab ho jayega, mar jayenge chilla chilla ke, right? Okay. तो सुने आपने प्रभु सचिन गुप्ता जी के शब्द। अब मैं इनको प्रभु क्यों कह रहा हूं या भगवान का दर्जा क्यों दे रहा हूं, वो इसलिए अगर आप क्यूनेट ज्वाइन करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि क्यूनेट में ये हमारे लिए भगवान की तरह हैं। ये ऐसे पर्सन है, अगर हमने इनका हाथ थाम लिया तो हमको ये करोड़पति बना के ही मानेंगे। ये हमको ऐसा लाइफस्टाइल दे के रहेंगे कि जिसमें हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम अपनी लाइफ को इस तरीके से बदल सकते हैं क्यूनेट में एंट्री करने के बाद। अब चलिए थोड़ा सा जजमेंटल होते हैं, क्यूनेट की सोशल मीडिया पॉलिसी उसके साथ कंपेयर करते हैं इनके कुछ शब्द। क्यूनेट की सोशल मीडिया पॉलिसी में आपको याद दिला दूं, वो कहती है कि कोई भी एब्यूसिव लैंग्वेजेस आप नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म पे। चलिए आपस में तो ये सब बातें कुछ ना कुछ गाली गलौच ये सब चलता है, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने अपनी वीडियो में कहा, जो इनकी रिकॉर्डेड वीडियो है, इन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाई है, जो स्टेज पे है वीकॉन या मैजिक स्टेजेस पे ये बातें करते हैं, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं आउटसाइडर्स, यानी आपके मेरी तरह लोग जो क्यूनेट के बारे में वीडियोस बनाते हैं, जो इनके बारे में वीडियोस बनाते हैं, जो क्यूनेट स्कैम बोलते हैं, पता नहीं कई कई तरीके की बहुत लाखों वीडियोस क्यूनेट के ऊपर अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, तो हम जैसे लोग यहाँ चूहे की तरह हैं जिनको ये जवाब भी नहीं देना चाहेंगे। और साथ साथ अगर आप ध्यान दें, इन्होंने एक भूतिया वर्ड यूज किया। भूतिया से जस्ट पहले अगर आप इनके एक्सप्रेशंस को समझेंगे तो वर्ड कुछ और निकलना चाहता था, इन्होंने पॉज लेके उसको भूतिया कर दिया। और ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए बोल रहा हूं जान के, राइट? वो भूतिया है ना वो। उसके बाद इन्होंने कुत्ते की तरह भौंकते हैं ऐसा शब्द यूज किया, और वो भौंकते रहेंगे, हमें उनका कुछ नहीं करना। यू नो व्हाट एग्जैक्टली गोज इन आवर माइंड, कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, कोई सुनता भी नहीं है उनको, राइट? ऐसे शब्दों का चयन जो ये कर रहे हैं, क्या ये ट्रेनिंग पर्पस पे अच्छा है? अगर मान लीजिए कोई अमीर लोग हैं, वो क्या उनको इस लेवल पे बात करते हुए सुना है आपने? क्यूनेट में सिखाया जाता है कि आपको अपने लैंग्वेजेस पे अच्छा रखना है, यानी बैड वर्ड्स नहीं बोलने। क्या कुत्ते की तरह भौंकना, ये सारे शब्द जो, क्या ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है? क्या ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है? जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं डाउनलाइंस को, तो क्या ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है? क्या सचिन गुप्ता जी सही कर रहे हैं? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ऐसे शब्दों का चयन क्या ये सही है सोशल मीडिया पे करना, जो दूसरों के लिए किया जा रहा है? और यानी खुद कहेंगे तो सही, दूसरे कहेंगे तो गलत, इस तरीके से अप्रोच को दिखाया जा रहा है। अब मैं यहां पे पॉइंट रखता हूं, अगर आप कहते हैं कि लोग जो गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे वो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब जो मेरे वीडियोस के कमेंट पे गालियां आ रही हैं बहुत सारी, जो मैं स्क्रीनशॉट्स में दिखा दूंगा, अब आप बताइए ये सब लोग कौन हैं? इन्होंने अभी क्यूनेट ज्वाइन किया है, जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, इन्होंने क्यूनेट ज्वाइन किया है या ये कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं? मुझे इनको आंसर नहीं देना चाहिए। सचिन गुप्ता जी अगर मेरी वीडियो इसको देख लें तो प्लीज आंसर जरूर करिएगा, इन लोगों को ये लोग कौन हैं? ये क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अगर ये क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये आपको ही फॉलो कर रहे हैं ऑब्वियसली, ये गालियां दिए जा रहे हैं। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में समझूं, क्या ये कुत्ते की तरह जो भौंक रहे हैं जो आपने अभी बोला, तो क्या ये आपसे अलग चल रहे हैं, यानी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही? तो कहीं ना कहीं तो लैग पॉइंट चल रहा है। तो मैं भगवान सचिन गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके ऊपर अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि क्यूनेट में आप अमीर तो हो गए, बट जो आपकी तहजीब और ये जो आप संस्कार दूसरों को दे रहे हैं, इसके बारे में ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि उनको ये तकलीफ हो रही है कि सामने से कोई उनकी उनके बारे में उनके साइनअप्स को रोक रहा है। मेरा शुरू से एक मिशन चल रहा है, नो साइनअप मीन्स नो कमीशन, यानी अगर इनके अप्लायंस के साइन अप नहीं होंगे तो इनको कमीशन नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिली तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मेरा टारगेट क्यूनेट है ही नहीं, मेरा टारगेट है बैड अप्लायंस। अगर कोई भी अप्लायंट गलत लैंग्वेज यूज करता है, जैसे सचिन गुप्ता जी की लैंग्वेजेस मुझे अपनी ओपिनियन में सही नहीं लगी,
तो इसलिए मैं आज ये वीडियो उनके ऊपर पर्टिकुलरली बना रहा हूं। अगर आपको भी लगता है उनके शब्द गलत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी मन करता है मेरे को वो सामने आए तो उनको बोलूं, अबे तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो बहन के टको फॉलो क्यों करते हो हमको। फॉलो हम आपको इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली, बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है बहन के टके शब्द। ये शब्द कहीं ना कहीं अब्यूसिव लैंग्वेजेस में आता है। इसको पंजाबी फॉर्म में या और भी कई तरीके लैंग्वेजेस में इसको बहन के टके को यूज किया गया है अब्यूसिव यानी गाली की फॉर्म में। कुछ लोग इसे हरामी की जगह बोलते हैं, तो ये एक फनी वर्ड हो जाता है, प्लस ये अब्यूसिव लैंग्वेज में आ जाता है। तो आप सब अपना जजमेंट दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये अब्यूसिव लैंग्वेज में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, और क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर है ऑन स्टेज दुनिया के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको यूज करना चाहिए। अगर कोई भी एक बड़ा आइडल जिसको हम मानते हैं अगर वो ऐसे वर्ड्स को यूज करता है तो क्या दुनिया उसको यूज नहीं करेगी, उसको फॉलो नहीं करेगी? तो क्या ये हमारे कल्चर के लिए अच्छी चीज है? ये आप कमेंट सेक्शन में जजमेंटल होके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर फ्यू मंथ्स मी कविता एंड शर्फुन वाज टॉकिंग एंड देयर वर मेनी पीपल हु वी डोंट नो बट दे वर क्रिटिसाइजिंग अस एंड टॉकिंग अबाउट अस राइट एंड शर्फुन सेड ए तुम उसको जानते हो क्या, वो तुम्हारे बारे में ये वो बात करते हैं। और हम सोचते हैं हम तो जानते भी नहीं है इनको। एंड शर्फुन सेड दैट टाइम वन थिंग, यू नो व्हाट बॉस, तुम तो सेलिब्रिटी बन गए हो अभी राइट। बिकॉज व्हेन पीपल डोंट नो यू एंड स्टिल फॉलो यू एंड टॉक बैड अबाउट यू, दैट मीन्स यू आर अ सेलिब्रिटी एक्चुअली राइट। यू नो सो दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट फाइटिंग विद देम, प्लीज दे आर टू स्मॉल टू बी फोकसिंग अपॉन एक्चुअली राइट। ओके, चीखते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे और गला खराब हो जाएगा, मर जाएंगे चिल्ला चिल्ला के राइट। ओके, भगवान सचिन गुप्ता जी ने कहा कि आप लोग एक सेलिब्रिटी की तरह हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आपके वीडियोस में दे रहा है या आपके ऊपर दे रहा है तो वो आप समझ लीजिए कि आप एक सेलिब्रिटी हो चुके हैं। और इसी तरीके से मेरे साथ हो रहा है। क्यूनेट के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी वीडियोस पे काफी सारे बैड कमेंट्स डालते हैं, तो मैं अब उनके शब्दों से इतना मोटिवेटेड फील कर रहा हूं कि मुझे उन पे फोकस नहीं करना, बल्कि मुझे क्यूनेट के ऊपर और वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे सचिन गुप्ता जी के ऊपर और वीडियोस बनानी चाहिए। तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पार्ट जरूर रखूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्यूनेट में किस तरीके से सचिन गुप्ता जी ने स्क्रिप्ट बनाई है साइनअप्स करने के लिए। जो हमें बोला जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, हमें बोला जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में, और क्यूनेट का नाम हमसे छुपाया जाता है कॉल्स के टाइम में, तो ये वीडियोस में मैं लेके आऊंगा ताकि आप समझें कि सचिन गुप्ता जी ट्रेनिंग किस तरीके से देते हैं और जो कल्चर उन्होंने शुरू किया इंडिया में वो कल्चर आज किस तरीके से डीप में गांव में शहरों में पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, और उसी तरीके को स्क्रिप्ट को अभी भी कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जरूर देखते रहिए, और कोई भी सजेशंस है आपके पास तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भगवान सचिन गुप्ता जी के बारे में सभी को पता लग सके। हो सकता है कोई क्यूनेट ज्वाइन करने वाला हो तो वहां पे वो अपनी समझदारी से अपना डिसीजन ले सके। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।